हेलो किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं इस बोरी को जो कृषि धन कंपनी का है, EM2U 7029, जो गोल्डन के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों मोटा धान है जो डाबर में या गड्ढे में बैठाई जाती है। इसकी अवधि यानी कितने दिन में पककर तैयार हो जाता है, ये दोस्तों जो है 140 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और इसकी पौधे की ऊंचाई के बारे में बात करें तो यह 110 से 115 सेंटीमीटर की ऊंचाई इसके पौधा होता है और अधिक कल्लों का फुटा होता है। कल्लों की संख्या के बारे में बात करें तो दोस्तों यह 30 से 35 कल्लों का फुटा हो जाता है। इसकी बाली में दानों की संख्या दोस्तों 650-650 तक दानों की संख्या दिखाते हैं कि इसका बीज कैसा है। चलो खोलो भाई, इसको दिखाओ बीज कैसा है। देखिए किसान भाइयों, इसका ये बीज है। देखिए किसान भाई, इसका बीज है। ये काफ़ी मोटा धान है। ये डाबर में बैठाया जाता है, जैसे किसी गड्ढे में या 3 से 4 फीट पानी लगा हो उसमें आप बैठा सकते हैं। बेहद पैदावार है। गलने में इसका कोई भी संभावना नहीं रहता कि जो गल जाए, गलने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसे किसान भाई आसानी से बैठा सकते हैं जहाँ अधिक पानी लगता हो। इसका बीज देख रहे हैं कि इतना मोटा भी है और शानदार भी है। 7029 धान रोग, कीड़े और सूखा के प्रति सहनशील होता है। 7029 पैदावार के बारे में बात करें तो 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार देने में सक्षम है। मोटा धान होने के कारण काफ़ी वजनदार भी होता है। 7029 नर्सरी के लिए बात करें तो इसके बीज को नर्सरी के लिए 15 से 17 किलो प्रति एकड़ उपयुक्त माना जाता है। 7029 को वहीं पर लगाएं जहां पर पानी का भराव होता हो। बस किसान भाई, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।